Hey, what's up guys, welcome to my channel and I am back with a new video. Chinese smartphone major Nubia has launched its new flagship grade gaming centric smartphone called the Nubia Red Magic 3. So let's go ahead and do the unboxing before I do the full review and talk about some specs and things like that. This is the box with Red Magic logo aur box ke piche device ki kuch information mention hai like Qualcomm Snapdragon 855 chipset, high efficiency physical cooling fan, a 6.65 inch Super AMOLED 90Hz display, and it has a 5000 mAh battery, touch sensitive shoulder triggers and a dual stereo speaker. Red Magic 3 abhi 3 color mein available hai aur ye abhi best value gaming smartphone hai with some premium quality feature. Box ke andar sabse pehle phone dekh payenge the Nubia Red Magic 3. Phone ka bhi kamal ka hai jo latest processor, some new and special feature and a next generation design aur ye sabhi cheez kafi अफोर्डेबल एंड सही प्राइस पॉइंट पे. फोन के अलावा यहाँ पे आपको एक चार्जर और एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा जो डिवाइस को चार्जिंग पर्पस के लिए काम में आएगा. दिस इज द रेड मैजिक 3. डिजाइन वाइज ये फोन काफी कमाल का है और ये किसी भी नॉर्मल फोन से काफी डिफाइंड लुकिंग के साथ देखने को मिलता है और ये हाथ में भी काफी कमाल का फील प्रोवाइड करवाता है. ये फोन बेसिकली एक गेमिंग फोन है और गेमिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर और स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पे कुछ टच सेंसिटिव बटन भी दिया गया है और फोन की बैक साइड में आपको एक 48 मेगापिक्सल सोनी कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा. 8K रेजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी के साथ देखने को मिलता है और ये है सोनी IMX सेंसर के साथ में जो एक सिंगल रियर कैमरे के साथ ये 8K रेजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाता है. नीचे एक डायमंड शेप फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा जो काफी गुड लुकिंग डिजाइन के साथ आता है और उसके नीचे एक RGB LED स्ट्राइप दिया गया है विथ 4 डिफाइंड लेआउट और साथ में आप देख पाएंगे नूबिया के ब्रांडिंग विथ लोगो. डिजाइन के मामले में ये काफी क्लीन है और ये यूनिक लुक के साथ आता है. रेड मैजिक 3 इज अ अल्टीमेट फोन फॉर गेमिंग और ये फोन बेसिकली गेम के लिए डिजाइन है और यहाँ पे गेमिंग के लिए कुछ अलग सा इंटीरियर फीचर भी दिया गया है जो इसके साथ इंक्लूड किया गया है. इट हैज लार्ज बेजल ऑन बोथ साइड एंड द फोन इज ऑल्सो 9.6 mm थिक एंड इट्स वेट इज 215 grams ओनली. और ये फोन साइज में थोड़ा बड़ा है लेकिन इसका डिजाइन की वजह से हाथ में काफी अच्छे ग्रिप भी देता है. द नूबिया रेड मैजिक 3 कम्स विद 6.65 inch AMOLED 1080p screen with 19.5:9 aspect ratio and the gaming handset is powered by Snapdragon 855 chipset and offers 6GB, 8GB and 12GB of RAM and 64GB, 128GB and 256GB of internal storage. As a gaming focused smartphone, the display of the Red Magic 3 is incredible aur ye device mein 90Hz refresh rate display dekhne ko mila hai jo kafi kamal ka hai aur ye OnePlus 7 Pro mein same display ko use kiya gaya hai. और एक गेमिंग स्मार्टफोन में 90Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आपको काफी स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस देगा जो आप नॉर्मल फोन से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते हो. ये फोन में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन सा गोरिल्ला ग्लास यूज किया गया है, लेकिन अगर ये फोन आपके हाथ से गलती से गिर जाए तो इसकी गोरिल्ला ग्लास आपके फोन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प जरूर करेगा. डिवाइस की साउंड क्वालिटी काफी कमाल का है और इसमें प्रॉपर डुअल स्टीरियो स्पीकर को इंक्लूड किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जो ऑडियो आउटपुट है वो थोड़ा लाउड नहीं है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आपको काफी बेहतर क्वालिटी की साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा. ये फोन का एक चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो इसका हेडफोन जैक, क्योंकि आज की टाइम पे जो फ्लैगशिप डिवाइस या फिर जो प्रीमियम क्वालिटी की स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है उन सभी स्मार्टफोन में हेडफोन जैक को रिमूव कर दिया जा रहा है, लेकिन ये गेमिंग फोन होने के बावजूद भी इसमें हेडफोन जैक को दिया गया है जो गेमिंग यूजर के लिए एक बहुत ही बड़ी फीचर है और मुझे स्पेशली ये हेडफोन जैक की बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. रेड मैजिक 3 का जो मेन एस्पेक्ट है वो है इसका डिजाइन एंड गेमिंग फीचर, और गेमिंग और भी स्मूथ बनाने के लिए इसका लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी और एक फिजिकल फैन यूज किया गया है जो एक स्मार्टफोन में पहली बार देखने को मिला है. व्हेन यू ओपन द कूलिंग फैन यू कैन हियर द साउंड ऑफ द फैंस रनिंग बट द नॉइस इज कंट्रोल्ड अंडर 32 dBA इन द 30 m. According to the company, this can keep the phone CPU 16 degree cooler, जो बाहर की टेम्परेचर से काफी कम है और ऐसा टेम्परेचर आपको फ्रिज के अंदर ही देखने को मिलता है. Red Magic 3 का जो बेजल है ये लास्ट ईयर फोन से काफी कम है और अगर देखा जाए एक गेमिंग स्मार्टफोन में बेजल काफी बड़ी बात है, क्योंकि इसकी जो बेजल है ये एक्सीडेंट टास्क को प्रिवेंट करने के लिए काम में आता है. अगर ये फोन में एक एज टू एज फुल स्क्रीन डिस्प्ले को यूज किया जाता था तो इसमें जो एक्सीडेंट टाचेस है वो गेम खेलने के वक्त बहुत बढ़ जाता था जो काफी अनोइंग था, लेकिन ये चीज इस फोन के साथ नहीं देखने को मिलेगा. फोन की सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मुझे कमाल की लगा, क्योंकि इसमें एंड्रॉइड का 9.05 का प्री इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया है जो स्टॉक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है,
और इसमें ज्यादा लोडेड एप्लीकेशन नहीं है जो फोन को स्मूथ रनिंग करने में हेल्प करता है। इसमें स्टॉक एंड्रॉइड को काफी अच्छी तरीके से कस्टमाइज किया गया है जिसके जरिए ये आपको काफी सबसे बेहतर आउटपुट प्रोवाइड कर सके गेम खेलने के वक्त। और फोन में आपको गेमिंग स्पेस देखने को मिलेगा जो एक रेड कलर फिजिकल की के साथ प्रोवाइड किया गया है और गेमिंग स्पेस 2.0 मेनली गेम को फोकस करने के लिए बनाया गया है। आप यहाँ पे काफी सारे इम्पोर्टेंट फीचर देख पाएंगे जैसे कि आप यहाँ पे फैन और फैन का स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो और गेम खेलने के वक्त कॉल ब्लॉक्स और नोटिफिकेशन को भी आप कंट्रोल कर सकते हो जो गेमिंग के वक्त कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी कॉल को आने नहीं देगा। यहाँ पे हर एक गेम के लिए डिफाइंड सेटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है और आप अपने हिसाब से अलग अलग गेम के अलग अलग सेटिंग कर सकते हो और ये आपकी गेम की एक्सपीरियंस को बढ़ाने में हेल्प करेगा। और आप हर एक गेम के लिए आपको अलग अलग सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से एक बार ही फिक्स कर सकते हो कि आप कौन सी गेम के वक्त कौन सा सेटिंग को रखना चाहते हो। और फोन का फ्रंट पे आप 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देख पाएंगे जो इसके इंक्लूड किया गया है और ये गेमिंग फोन होने के बावजूद भी इसमें एक इम्प्रूव फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है जो मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा। रेड मैजिक 3 में पीछे की तरफ सिंगल रियर कैमरा दिया गया है और इसके कारण इसमें कुछ कैमरा फीचर मिसिंग है, लेकिन आप ये फोन में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग और 920fps पे हाइपर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा सकता है जो अभी तक किसी फ्लैगशिप डिवाइस में अवेलेबल नहीं है। ये रेड मैजिक 3 का डिजाइन के बारे में मैं फिर से एक बात बताना चाहूंगा, इसकी डिजाइन काफी कमाल का है और इसकी बैक साइड कर्व डिजाइन के साथ देखने को मिलता है और इसका RGB स्ट्रिप लुक और भी फोन को एनहांस करता है और हाथ में एक स्पेशल फील देता है। और फोन का साइड में आपको कुछ गेमिंग पोर्ट देखने को मिलेगा जहाँ पे नूबिया की एक्सेसरीज यूज करके गेम को और भी हाई लेवल पे एक्सपीरियंस ले सकते हो। दोस्तों यह है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रेड मैजिक 3 का और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो कूलिंग टेक्नोलॉजी है ये बाकी किसी भी स्मार्टफोन में से बहुत डिफरेंट है और इसकी टच सेंसिटिव बटन के लिए आप गेम को बहुत ही इजी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। रेड मैजिक 3 का बेस मॉडल शुरू होता है 36,999 रुपीज से और अभी मार्केट में जो भी गेमिंग स्मार्टफोन अवेलेबल है ये उनमें से काफी बेहतर स्मार्टफोन में से एक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा और जो भी नया न्यूज आएगा वो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर पाऊँ। माई नेम इज सौरभ एंड दिस इज मैक्स इन्वेंशन एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।